आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और परीक्षा फॉर्म कर रहे हैं। देखिए उनसे सभी बच्चों से राज्य सरकार ने 8 लाख जो भी छात्र छात्रा है उनसे की जा रही है वसूले 100-100 रुपये। क्या ये पूरा मैटर, क्या आपका जो पैसा लगा है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप में वो क्या जैक बोर्ड आपको रिटर्न कर देगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, चैनल को नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में देखिए ऑनलाइन जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म के नाम पर आपसे वसूली की जा रही है, ऐसा आज के अखबार में हमारा दिया हुआ है कि राज्य के 8 लाख छात्र जो छात्र छात्रा हैं उनसे वसूली किए जा रहे 100-100 रुपये। देखिए क्या है पूरा मैटर, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए झारखंड और इंटर के करीब 7.5, ठीक है 7.7 पर मान के चलते हैं, जो भी छात्र छात्रा है उनसे ऑनलाइन पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद देखिए आपको परीक्षा फॉर्म के नाम पर 100-100 रुपये वसूले जा रहे हैं। 9वीं और 11वीं के जो भी छात्र छात्रा जहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रूप में 100-100 रुपये ले जाते हैं, जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट से उनसे ही परीक्षा फॉर्म शुल्क के रूप में 100-100 रुपये लिए जाते हैं। CBSE और देखिए जो ICSE बोर्ड होता है वहाँ परीक्षा फॉर्म के लिए जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दिया जाता है उसके लिए वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, और ना ही देखिए जो झारखंड लोक सेवा आयोग कह सकते हैं, झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन और जो हमारा झारखंड कह सकते हैं बच्चों कर्मचारी चयन आयोग है वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए शुल्क वसूले जाते हैं। बाकी देखिए जो हमारा कह सकते हैं बच्चों CBSE और ICSE बोर्ड है वहाँ पर कोई भी राशि नहीं लगती, लेकिन यहाँ जैक बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन पैसा लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि झारखंड एडमिट काउंसिल का दावा है कि आवेदन पत्र जो है आपका एप्लीकेशन वो वेबसाइट पर अप्रूव है और उसका रखरखाव के लिए जो वेबसाइट का खर्चा लगता है उसके लिए यह पैसा लिया जा रहा है। जैक पूर्व में रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके बाद परीक्षा फॉर्म क्या करता है आपको उपलब्ध कराता है। पहले स्कूलों से शिक्षक इसे लेने आते थे और इसे भरवाने के बाद इस फॉर्म के शुल्क के साथ अन्य शुल्क भी जाते थे। पहले क्या होता था जो कोविड से पहले तो आपको कॉलेज आपको रांची से लेकर आते थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बच्चों भरवाते फिर उन्हें जमा कर, लेकिन आप जानते हैं आजकल डेटा जमाना हो गया तो सारा का सारा चीज़ ऑनलाइन आता है। जैक की ओर से प्रक्रिया को पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन कर दिया गया। जैक की वेबसाइट से शिक्षक एक फॉर्म डाउनलोड करते हैं और छात्रों की संख्या का आधार फोटो को भी जेरॉक्स कराते हैं, उसी फॉर्म को क्या करते हैं परीक्षार्थी भरते हैं और इस स्कूल में जमा करते हैं। इसके बाद स्कूल के एक शिक्षक उसे ऑनलाइन भरते हैं, जिन स्कूलों में इंटरनेट है वहाँ पर भर लिया जाता है और जहाँ नहीं वहाँ शिक्षक साइबर कैफे सहायता से भर लेते हैं। इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म के अलग अलग 100-100 रुपये के साथ इन्हें अलग शुल्क के साथ क्या करते हैं जमा किया जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी है पहला बात। दूसरा क्या, देखिए जो CBSE बोर्ड आपको मालूम होगा और ICSE बोर्ड है वहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी आपका कहते हैं CBSE और ICSE रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं लेते हैं, ये बोर्ड परीक्षा फीस और अन्य जरी फीस से ही लेते हैं। देखिए जो बोर्ड का आपका एग्जामिनेशन लगता है वही फीस यहाँ पर लिया जाता है, अदरवाइज यहाँ से उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता आपको मालूम होगा। और देखिए 9वीं और 11वीं के छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए 8.68 करोड़ रुपये इनसे लिए गए हैं। 2023 में मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा छात्र छात्रा होगा, 2021 में 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन हो गया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के शुल्क के साथ छात्र छात्राओं से 8.68 करोड़ रुपये लिए गए थे। वहीं पर 9वीं में देखिए इतने छात्रों रजिस्ट्रेशन इनसे 100-100 रुपये किया गया था और 100 रुपये करके कैलकुलेट करिए कितना पैसा जैक बोर्ड के पास गया। अभी एग्जामिनेशन का तो मालूम है आपको, कोई पता रहता नहीं है कब एग्जामिनेशन होगा, अभी बोला जा रहा फर्स्ट टर्म होगा, फिर पता चलेगा कुछ दिन बाद झारखंड सरकार मन बदल नहीं हम लोग 2 टर्म एग्जामिनेशन ले सकते हैं, तो वो ठीक नहीं। देखिए एग्जामिनेशन का जैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो भाग्य भरोसे ही रह सकते हैं, कब क्या झारखंड सरकार अपना स्टेप बदल दे कोई कुछ कहा नहीं आ सकता। बाकी हमारा झारखंड सरकार महान है, क्या बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपके साझा कर दी, आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर देखिए सीधा बात, आपका जो पैसा जमा हो गया वो पैसा आपको रिटर्न तो होने वाला नहीं, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है जिसको करना भी पड़ेगा कोई पैसा यहाँ पर रिटर्न आपका नहीं आने वाला, बेसिक जान लीजिए, ठीक है। तो लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।